हेलो स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का विषय मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे, तो वो है बीएसएलपी बीपीटी और बीवीएससी एएच, दैट इज वेटरनरी साइंस में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इनके बीच में एक ऑब्जेक्टिव कंपेरिजन की क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है। लेकिन ये वीडियो आगे शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हर ब्रांच, आपका कोई भी प्रोफेशन बहुत अच्छा हो सकता है, आपके इंटरेस्ट और पैशन पर निर्भर करता है। तो आपका इंटरेस्ट या पैशन यदि किसी चीज में बहुत ज्यादा है तो फिर बाकी के ऑब्जेक्टिव एनालिसिस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, ठीक है। कि भले क्रिकेट जैसे बहुत ल्यूक्रेटिव हो, उसमें स्टारडम मिलना हो, उसमें बहुत पैसा मिलना हो, लेकिन यदि आपका पैशन हॉकी में है या आपका पैशन सिर्फ रनिंग में है और आप उसमें बहुत अच्छा करते हैं तो वो बेस्ट होगा, है ना। तो इसी तरह से मैं, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं जानता तो इंडिविजुअल काउंसलिंग नहीं कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके आपको रख रहा हूं। और कई बार हम में से बहुत सारे लोगों को हमारा अपना कोई भी रास्ता या इंटरेस्ट पता नहीं होता है, हमको जानकारी ही नहीं होती अपने इंटरेस्ट में, तो उन सबके ये काम का वीडियो है, ठीक है। साथ ही विभिन्न क्वेश्चन में से मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, अनबॉक्स जंक्शन, धीरेन्द्र सिंह रानावत और दिनेश कुमार ही है, मैं देख लेता हूं कन्फर्म नाम, सॉरी शिवशंकर का। तो ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको इसी वीडियो में इनके उत्तर दूंगा जो इन्होंने पूछे। मैंने कुछ 10 क्राइटेरिया बनाए हैं जिन पर मैं इन ब्रांचेस को, इन डिफरेंट करियर को आंकने वाला हूं, ठीक है। तो मैं आपको पहले वो बता देता हूं कि हम किन 10 एरियाज पर बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन, आपकी जो भी दिमाग में है वो सब इनमें कवर हो जाएगा। साथ में जहां तक प्रोसीजर की बात है इनमें एडमिशन की, मेरे अन्य वीडियो हैं उनको प्लीज देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ लोगों ने पूछा है तो इन सब में ही क्लियर कर दूं। बीएसएलपी वाले वीडियो में कुछ कंफ्यूजन था, पीसीबी वाले सभी लोग एलिजिबल हैं, पीसीबी साइंस वाले तीनों में, ठीक है। वेटनरी साइंसेस में डॉक्टर बनना है आपको, बीपीटी में या बीएसएलपी में, तीनों में ही पीसीबी अनिवार्य है। अब हम आगे चलते हैं, तो एलिजिबिलिटी हो गई। अब हम तो मेरे जो एरियाज हैं वो देखिए, एरियाज के पहले एक चीज बोल दूं कि ड्यूरेशन ऑफ स्टडी बीएसएलपी में 4 साल है बैचलर डिग्री में। हालांकि आपको मैं रिकमेंड करूंगा आगे जरूर पढ़ना, पोस्ट ग्रेजुएशन जो 2 साल का होता है वो जरूर करना, तीनों में ही पीजी करना बहुत फायदेमंद रहेगा। बीपीटी में लगभग 5 साल का है इंटर्नशिप मिलाकर, और बीवीएससी बीपीटी में लगभग 4.5 साल इंटर्नशिप मिलाकर, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, और बीवीएससी एएच में 5 साल का है, ठीक है ड्यूरेशन। तो 4 से 5 साल है, मोर लेस सिमिलर है, लेकिन बीएसएलपी में थोड़ा सा कम है। अब हम आते हैं बात एरियाज की, कौन कौन से वो एरियाज हैं। तो पहला जो डिस्कशन है मैं एन्यूमरेट कर रहा हूं, कॉम्पिटिशन एट एंट्री लेवल एंड हार्ड वर्क, किसमें ज्यादा रिक्वायर्ड है, पहला किसमें ज्यादा डिफिकल्ट एंट्री है, जितना डिफिकल्ट एंट्रेंस है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब्स किसमें ज्यादा आसानी से मिलते हैं। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब किसमें आसानी से मिलते हैं और अच्छे जॉब्स। चौथा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी किसमें बेहतर है राइज करने की, अपने खुद के रोजगार से, अपने खुद के क्लिनिक से। पांचवा वो है जो आप लोग सब जानना चाहते हैं सब अधिकतर, एवरेज सैलरी किसमें अधिक होगी, सबसे ज्यादा कमाई की संभावना किसमें होगी, एक औसत सैलरी, ठीक है, बीपीटी में, बीबीएससी एएच में या बीएसएलपी में। छठवां है अब्रॉड, वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में जाने की और सेटल होने की संभावना किसमें अधिक होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा था। सातवां है पी करनी किसमें ज्यादा होगी, एक तो एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी का मतलब कि क्लास में यदि 10 लोग हैं तो 10 में से 10 के लोगों को कितना सैलरी मिलेगी, लेकिन एक होता है पीक, सबसे ऊपर जो संभावना किसमें, किस ब्रांच में सबसे ज्यादा होगी राइज की, ठीक है। फिर आठवां एरिया है सेलिब्रिटी स्टेटस किसमें हासिल किया जा सकता है, इसमें से किस करियर में। और नौवां है सैचुरेशन का इंपैक्ट किसमें सबसे ज्यादा पड़ रहा है या पड़ेगा। तो चले इन एरियाज को डिस्कस करने, मेरे साथ रहना, कुछ चीजें आपकी मतलब की हो सकती है, कुछ हो सकता है ना हो आपके मतलब की, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा पूरा सुने, क्योंकि आप जब पूरा सुने बिना कमेंट करते हो तो मुझे दुख होता है, क्योंकि आप कुछ का कुछ पूछते हो, कुछ का कुछ बोलते हो,
ठीक है, और कुछ का कुछ इंटरप्रिट करते हो, कई बार पूरा नहीं सुनते हो। तो सबसे पहले आता है कौन सा था एरिया, लिखो। पहला एरिया था कॉम्पिटिशन किसमें ज्यादा है एंट्री करने में, और उसके बाद किसमें ज्यादा हार्डवर्क है। तो इन दोनों ही क्राइटेरिया पर वेटनरी साइंसेस पहले आएगा, बीबीएससी एएच। इसमें एंट्री भी मुश्किल है क्योंकि आपको नीट देना होगा या आपका स्टेट एंट्रेंस एग्जाम देना होगा अच्छे कॉलेज के लिए, खासकर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और उसमें एक रैंक हासिल करनी होगी, और उसके बाद भी हार्डवर्क करना होगा, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी एमबीबीएस जैसी ही, ठीक है। और फिजिकल लेबर भी इसमें अच्छा खासा रहेगा, ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं कर सकती, ये मिथ है, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। मेरे क्लिनिक पर एक आती है अवनी, अवनी चौधरी का नाम सुना है आपने, उनकी बहन आती है, वो फर्स्ट फाइटर पायलट है इंडिया की, तो सारा काम कर सकती हैं लड़कियां। तो ये सब मिथ से आप निकलिए कि फिजियोथेरेपी नहीं कर सकती, और परिवार वालों को भी मैं बोलूंगा कि इन सब चीजों में मत पड़ा करिए, लड़कियों को जो चाहे वो कर सकती है, जो जॉब चाहे वो, ठीक है। तो बीबीएससी एच जो है हार्डवर्क मांगता है, फिजिकल लेबर भी, मेंटली भी, और कॉम्पिटिशन भी थोड़ा हाई है। दूसरे नंबर पर हार्डवर्क एंट्रेंस में हार्ड है, वो है बीएसएलपी। उसकी वजह ये कि इसके एंट्रेंस बहुत कम है, गवर्नमेंट और अच्छे कॉलेजेस के एंट्रेंस, जैसे कि एक आईश है जो कि मैसूर में होता है, आईश मैसूर, और उसकी दूसरी ब्रांच जबलपुर मेडिकल कॉलेज में, हाँ जबलपुर मेडिकल कॉलेज, जहां मैं खुद एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक्स में, हमारे यहाँ पर इसकी एक ब्रांच है। उतना अच्छा सेंटर नहीं है, मैसूर बहुत अच्छा सेंटर है, इंडिया का टॉप मोस्ट है, और कुछ लोग बोलते हैं कि एशिया के टॉप मोस्ट में से एक है। तो यदि आप आईश से मैसूर निकाल सके तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा, मैं वो रिकमेंड करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सैचुरेशन रिलेटिवली काफी कम है, वो तो खैर बाद का पॉइंट है ना सैचुरेशन वाला, तो उस पर हम आएंगे, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन जो है लीस्ट है बीपीटी में, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कई जगह पर डायरेक्ट एंट्री होती है, जैसे मेरा जबलपुर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन यहाँ 12th बेस पर डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, और बाद में भी बहुत पढ़ाई कठिन नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि एंट्रेंस कब होता है, तो भैया इसके लिए आप लोग वो देख लीजिए गूगल वूगल पर, जहां तक बीएसएलपी के लिए सबसे ज्यादा लोग उत्सुक थे, तो आईश की वेबसाइट देखते रहिए, उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है, ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, यूजली फरवरी में होता है, और AYJN का जो है मुंबई में जो होता है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, कोलकाता में है, सिकंदराबाद में है, एक ही एग्जाम से, और मेरे कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ने तो उसमें टॉप किया, फर्स्ट रैंक हासिल की पिछले साल, कुछ टॉप 10 में काफी लोग थे, तो AYJN के। तो मैं ये दो एग्जाम्स से आप यदि एग्जाम निकालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग प्रिपरेशन जानना चाहते हैं बीएसएलपी की, उनको मैं ये बोलूंगा कि यदि आप नीट प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको बैकअप के रूप में रखिए, सेम प्रिपरेशन से आपका बीएसएलपी में सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज आगे पॉइंट पर बढ़ने के पहले मैं बोल दूं, मैंने कभी भी नहीं कहा है या रिकमेंड किया आपको ये ब्रांचेस एमबीबीएस का रिप्लेसमेंट हो सकती है, मैंने कभी भी नहीं कहा है, ठीक है। एमबीबीएस सारे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज में इन सबसे काफी ऊपर रहेगा, अभी भी वेल एस्टेब्लिश करियर है इसमें, ग्लोबल वैल्यू है इसमें, बहुत सारी ब्रांचेस में आगे तक बढ़ने का मौका रहता है इसमें, रिस्पेक्ट, अर्निंग, चैलेंजेस, स्टार्डम, सब कुछ की संभावना अधिक होती है। बावजूद इसके मैं ये कहूंगा कि इन ये जो बैकअप प्लान के रूप में जो मैं बता रहा हूं आपको, इनमें आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर या एमडी डॉक्टर से बेहतर नाम कमा सकते हैं। जैसे मेरे सिटी में जो बीएसएलपी का जो ऑडियोलॉजिस्ट है विशाल, मेरा फ्रेंड भी है वो, ही इज डूइंग सो वेल, क्योंकि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अकेला है, वो बहुत सारे एमडी इवन डीएम डॉक्टर से भी बेहतर कर रहा है, ठीक है, वेल एस्टेब्लिश उसका सेंटर है। तो ये सक्सेस आपके हाथ में है किस चीज में, लोग सिंपल एक चाय बेचकर भी बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक ज्यादा संभावना जो है एमबीबीएस, एक बच्चे ने पूछा था एमबीबीएस से बेहतर है ना बीएसएलपी, सॉरी मैंने ये कभी भी नहीं कहा, ठीक है। आपको पीसीबी वाले यदि हो तो उसमें बेस्ट एमबीबीएस है बियॉन्ड डाउट, ठीक है, बियॉन्ड डाउट, उसमें कोई शक ही नहीं, ठीक है। वो वैसे ही टॉप पर नहीं जाता है, उसमें इतना कंपटीशन वैसे ही नहीं है, वो करोड़ों में जो सीट्स बेचते हैं प्राइवेट जो कॉलेजेस, वो वैसे ही नहीं है, या रशिया लोग जाते हैं करने, वो वैसे ही नहीं है। एमबीबीएस की ग्लोबल वैल्यू का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब आते हैं अगले पर, अगला पॉइंट था हमने कॉम्पिटिशन पर एंट्रेंस में बात कर ली, अब गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स की सबसे ज्यादा संभावना अनडाउटेडली वेटनरी साइंसेज में है, ठीक है। इसमें
आर्मी से लेकर आर्मी में है रिक्वायरमेंट, इसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब जगह वेटरनरी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये लोग बेरोजगार कभी भी नहीं रहते। ठीक है, एक चांस एमबीबीएस डॉक्टर को जॉब अच्छा मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, वेटरनरी डॉक्टर को नहीं। ठीक है, तो बहुत जॉब्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। दूसरे नंबर पर आता है गवर्नमेंट सेक्टर में बीपीटी और बीएसएलपी की, जहां तक बात है दोनों में ही गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। फिजियोथेरेपी में काफी सारे मेडिकल कॉलेजेस में फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, लेकिन जिस संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे उनकी तुलना में उनको जॉब मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। रही बात ऑडियोलॉजिस्ट की, तो ऑडियोलॉजिस्ट भी जॉब जो है मेडिकल कॉलेजेस में ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ईएनटी डिपार्टमेंट्स के साथ लगे हुए, तो उनमें जॉब निकलते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कहीं कहीं पर रखा जाने लगा है, बट ओवरऑल गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब सीनियर पुअर है। लेकिन ऑडियोलॉजिस्ट की क्योंकि संख्या कम है रिलेटिवली, काफी फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा है, तो इंटरव्यू में आपको कॉम्पिटिशन कम फेस करना पड़ेगा यदि कहीं पर वैकेंसी निकलती है तो। अब आते हैं हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब की, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब सबसे अधिक फिजियोथेरेपिस्ट को मिलते हैं। प्राइवेट, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काफी जॉब्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स खुलते जा रहे हैं, सब में फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। और दूसरे नंबर पर मैं वेटरनरी साइंसेज को बोलूंगा, वेटरनरी साइंसेज में भी प्राइवेट सेक्टर में काफी जॉब है, फिशरी इंडस्ट्रीज हैं, पोल्ट्रीज हैं, एनिमल के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इन सब में रिक्वायरमेंट होती है। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई वेटरनरी साइंसेज में, जैसे फॉरेस्ट में उसमें भी रिक्वायरमेंट होती है। और वेटरनरी साइंस में गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे एडल्ट्स के होते हैं, सर्जन होते हैं, सब कुछ होते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ पर एक फ्रेंड है, वो शेर का ऑपरेशन भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं टाइगर रिजर्व है बांधवगढ़ में और कान्हा में, तो काफी मजेदार है वेटरनरी। ठीक है, तो यहां मैं बात कर रहा था कि प्राइवेट सेक्टर में बीएसएलपी की जहां तक बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब है। ठीक है, वहां पर ईएनटी डिपार्टमेंट्स के साथ लगे हुए जॉब्स हैं, तो दोनों में है, फिजियोथेरेपी में भी और इसमें भी। बीवीएससी में भी प्राइवेट में जॉब है, बट क्योंकि ज्यादा ल्यूक्रेटिव में गवर्नमेंट है, आर्मी है, फॉरेस्ट है, ये होता है, तो यूजली लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना वैसे भी कम पसंद करते हैं। ठीक है, वेटरनरी साइंसेज वाले, क्योंकि पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं। अब आते हैं हम बात सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सबसे जल्दी सेटलमेंट और सबसे अच्छे से एक एवरेज स्टार्ट मिलने की जो संभावना होती है वो बीवीएससी एज में, मतलब कि वेटरनरी साइंसेज में, और दूसरे नंबर पर है बीएसएलपी में। बीएसएलपी में इसलिए क्योंकि इसका सैचुरेशन बहुत कम है और रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, नीड, मतलब नीड क्यों, क्योंकि मैंने बताया अभी तक क्या होता था, ऑडियोलॉजिस्ट सिर्फ बूढ़े लोगों को हियरिंग एड वगैरह देते थे, हियरिंग असेसमेंट करते थे। अब जो है, जो हमारी न्यूबॉर्न नर्सेज हैं उनमें हियरिंग असेसमेंट मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि जब हम लोग उनको ऑक्सीजन पर रखते हैं, वेंटिलेटर पर रखते हैं, मैं भी ये काम करता हूं, तो उसमें बच्चों के ब्रेन के कुछ हिस्सों में जहां पर सुनाई देता है वहां डैमेज होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो उसका असेसमेंट हमें नर्सी में रहते हुए करवाना पड़ता है, तो उसमें हमें ऑडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग बड़े अजीबोगरीब कमेंट करते हैं, बदतमीजी पूर्ण, एक लिखता है कि जब ईएनटी डॉक्टर है तो फिर ऑडियोलॉजिस्ट की क्या जरूरत है, बेवकूफ बना रहा है, ये फर्जी डॉक्टर है। ऐसे बेवकूफ टाइप के जो लोग आते हैं उनको मैं हालांकि ब्लॉक कर देता हूं। ईएनटी डॉक्टर और बीएस ऑडियोलॉजिस्ट के बीच का बेसिक डिफरेंस आपको समझना होगा। ईएनटी डॉक्टर एमबीबीएस के बाद एमएस करते हैं, ईएनटी में ऑपरेशन करते हैं, ईयर का, कान की विभिन्न बीमारियों को देखते हैं, जबकि ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं या बीएसएलपी वाले जो होते हैं उनका काम हियरिंग असेसमेंट है, कि हियरिंग किस तरह की है, कितना डिफेक्ट है, जैसे उसकी कुछ मशीनें आती हैं बैरा, ऑडियोमेट्री, ओएई, इनका इस्तेमाल ये लोग करते हैं, और ईएनटी के डॉक्टर को फीडबैक भी देते हैं, उसके साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, साथ में जैसे ऑपरेशन होते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट, उसके पहले इनका रोल होता है, उसके बाद भी होता है, हियरिंग एड देने का काम करते हैं, और स्पीच सिखाने का, जैसे किसी को तुतलाना है, हकलाता है कोई, तो उसको ठीक करने का ये लोग काम करते हैं। तो ईएनटी डॉक्टर से अलग काम है भाई इनका, और यदि सीखना नहीं होता है ना तो आया मत करो चैनल पर। ठीक है, जिनको नहीं सीखना है उनको जरूरत नहीं है यहां पर मेरी। ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है उनकी, कुछ सीखना है तो वहां आओ। एनीवे, अब हम बात करते हैं, तो ये थी बात सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मैं बात कर रहा था कि बीवीएससी एज वाले और बीएसएलपी वालों को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से बीपीटी वालों का भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अच्छा स्कोप है, लेकिन इसमें सैचुरेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत जगह जगह पर फिजियोथेरेपिस्ट होते जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे विल बी फेसिंग सम प्रॉब्लम।
जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करने में बीएसएलपी में 2-3 लाख रुपए में के इंस्ट्रूमेंट्स और एक किराए का एक छोटा सा चैम्बर लेकर आप शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से बीपीटी में थोड़े से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट लग सकते हैं आपको। बीपीटी में जो है ना फिजियोथेरेपी में थोड़ा बड़ा कमरा लेना होगा आपको और नीचे होना चाहिए, ऊपर ना हो, ये सब का ध्यान रखना होगा क्योंकि कई लोग चल नहीं पाएंगे, ऊपर नहीं चल पाएंगे, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्योंकि आपको प्राइम लोकेशन में लेना होगा तो बढ़ जाती है। बीएसएलपी को भी थोड़ा सा प्राइम लोकेशन पर ही अपना क्लिनिक खोलना होगा जहां पर नर्सरीज हो, न्यूबॉर्न नर्सरीज हो, न्यूरोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल्स हो या क्लिनिक्स हो, ऐसी जगहों पर रखना होगा। बीबीएससी एज छोटी जगहों पर भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, छोटे से क्लिनिक से डॉग क्लिनिक शुरू कर सकते हैं, किसी भी पशु का कंसल्टेंसी दे सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, डेयरीज को पोल्ट्रीज को जाकर अपना कॉल लेकर कर सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इन तीनों में ही है, लेकिन मैं समझता हूँ सैचुरेशन के लिहाज से मैं ऑडियोलॉजी को ज्यादा मार्क्स दूंगा इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी सबसे ज्यादा होगी बीवीएससीएच में, और साथ में एक और चीज, डॉक्टर लगा सकते हैं, वेटनरी डॉक्टर लोग, फिजियोथेरेपिस्ट लोग भी डॉक्टर पीटी करके लगा सकते हैं, डॉक्टर पीटी, डीआरपीटी। ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, ठीक है, ऑफिशियली। वैसे तो इंडिया में कोई भी लगा सकता है, कोई मना नहीं करता, ठीक है। यदि किसी को बहुत ज्यादा शौक है डॉक्टर लिखने का तो लिख सकते हो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो एवरेज सैलरी जो है मैंने आपको बताया कि बीवीएससी एज वालों की ज्यादा होगी। एवरेज मतलब औसत, मतलब कि एक स्टार्टिंग औसत, जैसे कि 10 लोग वेटनरी साइंस के निकल रहे हैं, 10 लोग बीपीटी के और 10 लोग जो है बीएसएलपी के, तो 10 में से 8 लोगों की सैलरी, एवरेज सैलरी शुरुआत में अधिक होगी बीवीएससी एज वालों की, ठीक है। दूसरे नंबर पर आएगा एवरेज सैलरी में बीपीटी और बीएसएलपी दोनों को मैं इक्वल रखूंगा यदि वो जॉब कर रहे हैं तो, ठीक है, लगभग लगभग इक्वल सी मिलेगी, जो कि स्टार्टिंग में 30-40-50 हजार से शुरुआत हो सकती है जब आप फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं। बीवीएससी एच में 40-50 थाउजेंड से इनिशियल स्टार्ट मिलेगा आपको, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है तो और ज्यादा मिलेगा। अब आती है पीक अर्निंग। पीक अर्निंग मतलब इन ये जो 10-10-10 निकले थे इनमें से कुछ, कोई एक जो है पीक पर पहुंचेगा कुछ सालों के बाद, तो वो किसमें ज्यादा संभावना है, तो वो है बीएसएलपी में, क्योंकि इसमें सैचुरेशन नहीं है, इसकी अवेयरनेस नहीं है। यदि आप में एंटरप्रेन्योरशिप हो आप अपने मल्टीपल सेंटर्स खोल सकते हैं, तो इस वजह से बीएसएलपी में पीक अर्निंग की संभावना इन तीनों से अधिक है, ईजियर है। दूसरे नंबर पर हालांकि वेटनरी साइंसेज भी है, उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, लेकिन उसमें करना इसे थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उसके लिए थोड़े से बड़े हमें सेटअप्स, बड़े मतलब लैंड कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी आपको उसमें एंटरप्रेन्योरशिप करने में बीवीएससीएच में, ये प्रॉब्लम है। जबकि बीएसएलपी छोटे छोटे चैम्बर्स आपके मल्टीपल जगह आप बना सकते हो और डिप्लोमा होल्डर्स को वहां पर रखकर आप हियरिंग असेसमेंट वगैरह का कर सकते हो। जब आप एंटर करोगे ये सीखने के लिए तो एंटरप्रेन्योरशिप इसमें कैसे की जाए इस पर नजर रखना, ठीक है, इसको लर्न करना, ये भी सिखाया जाएगा। वैसे आपको एक अंदाज लगने लगेगा कि मैं अपना क्लिनिक कैसे रन करूंगा, कैसे उसको ग्रो करूंगा, ये सब सिखाया जाएगा। और मेरा भी आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने उस पर डाला हुआ है यूट्यूब पर कि आप इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो पीक अर्निंग की सबसे ज्यादा संभावना, हालांकि कोई भी इनमें से कर सकता है, ये जो 10-10-10 के ग्रुप में कोई भी ऊपर उठ सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखती है आज के सिनेरियो को देखते हुए वो बीएसएलपी में, और दूसरे नंबर पर वेटनरी साइंसेज, तीसरे पर बीपीटी। सातवां नंबर आता है अब्रॉड के चांसेस का। अब्रॉड में चांसेस जो हैं ऑडियोलॉजी के बेहद अच्छे हैं। जो लोग वहां पर यूएस वगैरह में ऑडियोलॉजी बेहद ही कूल और बेहद ही अच्छा प्रोफेशन माना जाता है बीएसएलपी जो है, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट को वहां के कुछ एग्जाम्स वगैरह निकालने होंगे, उसकी प्रोसेस मुझे अभी डेप्थ में नहीं पता है, ठीक है, वो आपको हर एक कंट्री का अलग अलग पता करना होगा। जब आप पढ़ रहे होंगे तब आप पता कर सकते हैं ये सब चीजों के बारे में, लेकिन अब्रॉड में इसकी काफी वैल्यू है। काफी लोग इंडियन जो ग्रेजुएट हैं बीएसएलपी वगैरह के वो अब्रॉड चले जाते हैं। सिमिलरली बीवीएससी एज की भी बहुत रिक्वायरमेंट है यूरोपियन कंट्रीज, जैसे कि न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है। इसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आप
ये जो बीबीएससी एच कर रहे हो तो आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीख डालो, इंग्लिश के अतिरिक्त, जैसे कि यूरोपियन लैंग्वेज कोई सी, जैसे कि आपको पता है इंग्लिश के बाद जो दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है वो स्पेनिश है, तो स्पेनिश सीख ली या फ्रेंच सीख ली, कुछ ऐसा उस दौरान सीख लीजिए, चार साल के दौरान में सीख सकते हैं, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, और कभी कुछ भी सीखा हुआ बेकार तो जाता नहीं, लेकिन यदि आप सीख सकते हैं तो आपको बहुतों से एज मिल जाएगा वहां पहुंचने के लिए, ठीक है, यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है, कई जगह आप जा सकते हैं। उसके बाद फिजियोथेरेपी में ये स्कोप मुझे कम दिखाई देता है। इसके बाद हम आते हैं सेलिब्रिटी स्टेटस, इतना स्टारडम सेलिब्रिटी स्टेटस कि आप अखबारों में छप रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं, आपका नाम छप रहा है, वो किस में हासिल किया जा सकता है? तो वो संभावना है, बताओ तुम, गैस करो जल्दी जल्दी, वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी गैस करके लिखो, बीपीटी, फिजियोथेरेपी। उसकी वजह है कि फिजियोथेरेपी में एक ब्रांच है स्पोर्ट्स मेडिसिन, जैसे कि आप इंडियन क्रिकेट टीम के फिजियोथेरेपिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, आप सचिन तेंदुलकर के, विराट कोहली के फिजियोथेरेपिस्ट हो जाते हैं, आप हंक, हैंडसम हंक रणवीर सिंह के पर्सनल ट्रेनर हो जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाते हैं तो आपको काफी लोग जानने लगते हैं, ठीक है, तो इसमें स्टारडम बीपीटी में मिलने की संभावना है, लेकिन ये ऐसा लाखों स्टूडेंट्स में से एक आध के साथ होगा, इसलिए संभावना बहुत कम है। अब हम आखिरी पॉइंट पर, नाइन्थ पॉइंट पर आते हैं, वो है सैचुरेशन। सैचुरेशन सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है फिजियोथेरेपी में, क्योंकि जगह जगह, छोटी छोटी जगहों पर, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में ये सब सिखाया जाए, फिजियोथेरेपी के कोर्सेज शुरू हो गए प्राइवेट में, बहुत सारे गवर्नमेंट में भी, तो इस वजह से काफी संख्या में इनकी संख्या बढ़ रही है। हालांकि पीजी करेंगे अभी भी तो सैचुरेशन को आप बीट कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें तो, लेकिन फिर भी सैचुरेशन से जो सबसे अफेक्टेड होगा वो ये है। सैचुरेशन से सबसे कम अफेक्टेड हो है इस वक्त वो है ऑडियोलॉजी, आगे चल के हो सकता है, मेरे जैसे ऐसे वीडियो देखते जाएंगे लोग तो, मैंने सुना काफी लोगों ने एडमिशन लिया मेरे वीडियो देखने के बाद, तो अभी राइट नाउ आप लोग खुद नहीं जानते होंगे ना इसके बारे में कि एक अच्छा करियर हो सकता है, ये है क्या, आपके पेरेंट्स नहीं जानते होंगे, तो अभी राइट नाउ सैचुरेशन उतना नहीं है, साउथ इंडिया में हो गया है हालांकि, ठीक है, ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी में सैचुरेशन साउथ इंडिया में हो गया है, यहां पर नॉर्थ एंड मध्य प्रदेश वगैरह में कम है, तो स्टिल आपको 5-10 साल है, इतने में आप जम जाएंगे, फिर दूसरा रिप्लेस नहीं करता आपको, ठीक है। बीबीएससी एच एवरग्रीन है, जानवरों की नीड हमेशा रहेगी, क्योंकि जानवर हमारे जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे जैसे घास फूस, हमारे खेत खलिहान ये सब जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए जानवर जरूरी है, तो जब तक इंसान है इनकी जरूरत होगी, और इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और बढ़ानी है हमें, जो खासकर पालतू जानवर है उनकी संख्या हमें बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, है ना, वो हमारे बहुत सारे नीड को पूरा करते हैं, तो इसलिए आप ये एवरग्रीन है, इसमें सैचुरेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वक्त की यदि मैं बात करूं तो इस वक्त ऑडियोलॉजी या बीएसएलपी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी कम सैचुरेटेड है इन तीनों में से। तो ये थी बात इन पॉइंट्स की, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। अनबॉक्स जंक्शन ने पूछा, विच इज बेटर इन मेट्रो सिटीज, सर विच इज बेटर इन मेट्रो सिटी आउट ऑफ दिस टू, बीबीएससी एच एंड बीएसएलपी। तो मेट्रो सिटीज के लिए यदि सैचुरेशन नहीं है आप फाइंड आउट करेंगे तो मैं बोलना चाहूंगा मेट्रो सिटीज के लिए ऑब्वियसली बीएसएलपी, क्योंकि जो वेटनरी साइंसेज है वो भी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, यदि आपको पैसों की दिक्कत नहीं है घर से तो बीबीएससी एच इज बेटर, अदरवाइज बीएसएलपी, ठीक है। पूछा है धीरेन्द्र सिंह रानावत ने, बीबीएससी फ्यूचर आफ्टर 5 to 6 years, वो तो मैंने कह दिया कि एवरग्रीन है भाई, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी रिक्वायरमेंट आगे चलकर और बढ़ ही सकती है, जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी आएगी, लोग बच्चे कम रख रहे हैं, डॉग्स ज्यादा रखना शुरू कर रहे हैं, खासकर बड़ी अच्छी अच्छी फॉरेनर ब्रीड्स के, और उनकी बहुत केयर करते हैं, ठीक है, और जितना बच्चे के डॉक्टर को फी नहीं देंगे उतना डॉग के लिए फी दे देंगे, तो ये एवरग्रीन है, डोंट वरी अबाउट दैट, 5 to 6 years में कुछ भी नहीं होना है वेटनरी साइंसेस को, इट इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज एवरग्रीन, ओके। उन्होंने धीरेन्द्र ने यह भी लिखा था कि आपने कहा था यदि मैं डॉक्टर नहीं होता तो मैं वेटनरी साइंसेस करता, हाँ वैसे मैं डॉक्टर नहीं होता तो मैं, वैसे मुझे थिएटर अच्छा लगता था, मैं थिएटर करता, लेकिन हाँ मुझे यदि पढ़ाई के ही क्षेत्र में करना होता तो मैं वेटनरी साइंस को प्रेफर करता, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी आपका देखना होगा, ठीक है, कि आप जानवरों को पसंद करते हैं या नहीं। शिव शंकर ने पूछा,
बीएसएलपी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें कंफ्यूजन है तो वो मैं बता चुका हूं कि पीसीबी इज द एलिजिबिलिटी। ये मेरा एक लॉन्ग वीडियो हो गया,